मेरा नाम है विपिन गौर और मैं हूं एक फैशन एनर्जाइजिंग फोटोग्राफर। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा पोर्ट्रेट इंप्रेशन बैलेंस, उसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं और जैसी स्किन टोन आपको चाहिए अपनी फोटोग्राफी में वैसी स्किन टोन को अचीव कर सकते हैं। कैनन के कैमरा की जो पिंक टोन है वो बहुत लोगों को पसंद आती है, स्पेशली वेडिंग फोटोग्राफर्स को। इनफैक्ट जब मैंने शिफ्ट किया था निकॉन के ऊपर तब मेरे को भी ये लगता था कि मेरे को कैनन जैसी स्किन टोन चाहिए या उसके जैसे कलर्स चाहिए। सो मैंने एक कस्टम प्रोफाइल बिल्ड की थी अपने निकॉन कैमराज के अंदर ताकि मैं भी कैनन जैसे कलर्स को अचीव कर सकूं। हालांकि अब मैं उसको यूज नहीं करता हूं, पर आज भी बहुत सारे लोग हैं स्पेशली वेडिंग फोटोग्राफर जो कि चाहते हैं कि वो निकॉन के अंदर वही पिंक टोन स्किन के ऊपर जो आती है वो यहां पर अचीव करें। मैंने जब कस्टम प्रोफाइल बिल्ड की थी तो वहां पर उसको क्रिएट करने में काफी मेहनत करनी पड़ी थी, काफी जद्दोजहद की थी मैंने उसको क्रिएट करने के लिए। पर अब आप लोगों को ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि निकॉन के कैमरास के अंदर इनबिल्ट एक फंक्शन है जो कि है पोर्ट्रेट इंप्रेशन बैलेंस। अगर आप उसको यूज करते हैं तो जैसी आपको स्किन टोन चाहिए वो आप बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। पोर्ट्रेट इंप्रेशन बैलेंस को किस तरीके से आप अपने कैमरा में सेट करेंगे और उसके क्या रिजल्ट आते हैं वो मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं। मैंने अभी पीछे एक शूट किया था, वो शूट के दौरान ही मैंने इन मोड्स को यूज करके कुछ इमेजेस निकाली हैं। उन इमेजेस को भी मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस मोड से या किस तरीके से आप इन मोड्स को यूज करके स्किन टोन को जैसा आप चाहते हैं वैसा आप अचीव कर सकते हैं। मैं जो कैमरा यूज करता हूं वो है Z7 II, लेकिन अगर आपके पास में Z6 II है तो भी आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं। और ये फीचर सिर्फ फोटोग्राफी में ही नहीं, आप वीडियो के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा फोटो शूटिंग मेन्यू के अंदर, लेकिन अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसमें आप पोर्ट्रेट इंप्रेशन बैलेंस को यूज करना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा मूवी शूटिंग मेन्यू के अंदर। जब आप फोटो शूटिंग मेन्यू में जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा पोर्ट्रेट इंप्रेशन बैलेंस जो कि अभी ऑफ हो सकता है। सो आप जब उसके अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलेंगे Mode 1, Mode 2 and Mode 3, और Mode 1 को सिलेक्ट करके आप यहां पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप एडजस्ट का बटन दबाएंगे तो वहां पर आपको ये स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी और यहां पर आप देख रहे हैं कि लेफ्ट के अंदर एक्सट्रीम मजेंटा है और राइट के अंदर एक्सट्रीम येलो है और ऊपर जो है वो ब्राइटनेस की तरफ जा रहा है। तो आप इसको अपने टेस्ट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं यहां पर पहले शॉट के लिए एक्सट्रीम मजेंटा की तरफ जा रहा हूं और दूसरे शॉट को मैं आपको लेके दिखाऊंगा एक्सट्रीम राइट में जाकर के। यहां पर इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि Mode 1 जब मैंने यूज किया जिसमें मैं एक्सट्रीम मजेंटा की तरफ गया हूं तो वहां पर सिर्फ स्किन टोन के ऊपर इसका इंपैक्ट हुआ है और स्किन बिल्कुल मजेंटा टोन की तरफ चली गई है। सो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आप कम मजेंटा यानी कि पिंकिश टोन को अचीव यहां पर कर सकते हैं। और यहां पर जो सेकंड इमेज आप देख रहे हैं ये है Mode 2 की, जिसके अंदर की हम एक्सट्रीम राइट की तरफ गए थे और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर स्किन जो है वो येलोइश हो गई है। और यहां पर जो आप इमेज देख रहे हैं इसको हमने Mode 3 को यूज करके क्लिक किया है और यहां पर आप देख रहे हैं स्किन टोन जो है वो ब्राइट हो गई है। अब कमाल की बात यहां पर यह है कि इन तीनों मोड्स को जब आप यूज करेंगे तो इसका इफेक्ट सिर्फ स्किन टोन के ऊपर होता है, आपकी ओवरऑल इमेज के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इससे पहले कि आप पोर्ट्रेट इंप्रेशन बैलेंस को यूज करना शुरू करें, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले अपने कैमरा के अंदर व्हाइट बैलेंस को करेक्ट कर लें, क्योंकि अगर आपका व्हाइट बैलेंस करेक्ट नहीं होगा तो आपको इन कलर टोन्स का उतना ज्यादा इफेक्ट नजर नहीं आएगा। आप नहीं समझ पाएंगे कि ये मोड्स आपके इमेज के ऊपर क्या क्या इफेक्ट डाल रहे हैं। और वैसे भी जब भी आप शूट स्टार्ट करते हैं तो वहां पर आपको अपने कैमरा के अंदर व्हाइट बैलेंस डेफिनेटली एडजस्ट कर लेना चाहिए। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक चीज और, मैं एक सीरीज रन कर रहा हूं जो कि है आपके सवाल मेरे जवाब, उसके अंदर भी जाकर के आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको डेफिनेटली देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं जिनके जवाब मैं वहां पर देता हूं। सो अगर आपके पास भी कुछ सवाल हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं फोटोग्राफी से रिलेटेड तो वो भी आप मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं। और ये जो मेरा प्रोग्राम है इसके वीडियोस को मैं हर ट्यूसडे को अपलोड करता हूं, सो यहां पर जो नोटिफिकेशन बेल है अगर आप उसको दबा देंगे तो आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए।